Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about cells of nervous system. So students, हमने last video में जाना था कि nervous system क्या होता है, उसका aim क्या होता है, उसका classification कैसे किया गया है, autonomic क्या होता है, sympathetic क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था. But उसमें एक चीज़ की बात हमने की थी उसकी functional unit के बारे में. तो functional unit के बारे में आज हम study करेंगे जिनको बोलते हैं neurons और neuroglial cell. तो without wasting our time स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल. कौन कौन सी? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया. न्यूरॉन्स क्या है? जो मेन फंक्शनल यूनिट है, जो पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं, लाने ले जाने का काम. और न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया को ग्लाइल सेल्स भी बोलते हैं. ये क्या काम करती हैं? न्यूरॉन्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. तो जो मेन फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आर द सेल्स विद इन द नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेटिव सिग्नल टू द नर्व सेल, मसल और ग्लैंड्स. न्यूरॉन्स सेल जो होती हैं, ये एक तरह की सेल ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं इंफॉर्मेटिव सिग्नल को, मतलब CNS से मसल तक या किसी ग्लैंड तक ले जाने का काम. और इसके अपोज एक्शन भी ये करती हैं, मतलब ग्लैंड या मसल से वापस CNS तक ले जाने का काम करती हैं सिग्नल को. ठीक है, तो इनको बोलते हैं न्यूरॉन्स. दीज आर द सिंगल यूनिट हैविंग एक्सटेंशंस. ये सिंगल यूनिट्स होती हैं और इन्हीं में ही कई सारे एक्सटेंशन बढ़ते जाते हैं, कई सारे पार्ट्स आगे डिवाइड होते जाते हैं और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सो आपको और क्लियर हो जाएगा. दिस न्यूरॉन सेल कंसिस्ट इन न्यूक्लियस. ये जो न्यूरॉन सेल होती हैं, इनकी बॉडी में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जो कि जो सिग्नल्स हैं उनको पूरा प्रोसेस करता है और कौन सा सिग्नल किस ऑर्गन के लिए है उस तक पहुंचाने का काम करता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन्स क्या होती हैं? न्यूरॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेनली टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्या क्या क्या? इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कोई भी स्टिमुली का जब एक्शन होता है, मतलब मसल या कोई भी सेंस ऑर्गन या कोई भी चीज़ स्टिमुलेट होती है थ्रू द एक्शन ऑफ स्टिमुली. ठीक है, तो क्या होता है? एक इम्पल्स का जनरेशन होता है. ठीक है, जैसे कि स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का टच हो या लाइट पड़े आंखों के ऊपर या प्रेशर हो तो तुरंत ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल जनरेट करते हैं. दूसरा है कंडक्शन. अब सिग्नल जनरेट हो गया, उसको लोकेशन तक पहुंचाना. ठीक है, सिग्नल जनरेट होने के बाद कहाँ पहुँचाना? CNS तक. ऑब्वियस सी बात है, जितना भी ये प्रोसेस होगी इस सिग्नल की, ये ब्रेन में ही होगी. तो उस ब्रेन तक ले जाने का काम ये क्या होता है? कंडक्शन. तो न्यूरॉन्स के क्या क्या फंक्शन निकले? पहला इरिटेबिलिटी, मतलब इम्पल्सेस का जनरेशन, और दूसरा कंडक्शन. ठीक है, तो ये दो इसके फंक्शन है. आई होप कि आप याद रखेंगे इसको और इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है. अब देखिए, स्टडी करते हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में. सो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. मैंने आपको बताया कि एक ये सिंगल यूनिट होती है जो न्यूरॉन होती है, इसी में फर्दर एक्सटेंशंस होते जाते हैं. मतलब ये न्यूरॉन कहीं पर बढ़े हुए होते हैं, कहीं पर इनकी बॉडी सक्रिय होती है, कहीं पर चौड़ी होती है. तो ये जो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, जो डिफरेंट टाइप से एक्सटेंशन फॉर्म हो रहे हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं. तो पहला होता है सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं. दूसरा होता है एक्सॉन्स और थर्ड होता है डेंड्राइट. अब ये कहाँ होते हैं? देखिए डायग्राम में हम जानेंगे. डायग्राम में देखिए क्या है कि ये जो फंक्शंस हैं, ये जो कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ट्राइकोम टाइप के, हेयर टाइप के स्ट्रक्चर या ब्रांच स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहेंगे, इनको बोल रहे हैं डेंड्राइट. ये डेंड्राइट क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं. ये सेंसर से या रिसेप्टार के साथ इस तरह से अटैच होते हैं और सिग्नल को रिसीव करते हैं. और कहाँ भेजते हैं? देखिए ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट किससे अटैच है? सेल बॉडी से. और ये देखिए सेल बॉडी का ही एक्सटेंशन है डेंड्राइट, कहीं अलग से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, वही आगे अपना फर्दर एक्सटेंशन कर रही है और डेंड्राइट फॉर्म कर रही है. तो सेल बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रोसेस करने के लिए. फिर उसमें फर्दर एक्सटेंशन हो रहा है इसी सेल बॉडी में. देखिए ये हुई, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले सारा. ये सेल बॉडी हो गई, इससे डेंड्राइट जुड़े हुए थे और देखिए एक नीचे लॉन्ग सा एक्सटेंशन हो रहा है, काफ़ी लंबा सा एक्सटेंशन हो रहा है. ठीक है, ये लंबे से एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन.
ये एक्सॉन क्या होता है, इस पर श्वान सेल्स होती हैं जिसके थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं ऐसे जंप करके के नोड टू नोड। देखिए जो येलो कलर के हैं इनको बोलते हैं माइलिन शीथ, ये एक तरह के फैटी सब्सटेंस से बनी हुई शीट्स होती हैं, और जो खुले हुए एरिया हैं मतलब जो बीच बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये देखिए एरो भी जा रहा है, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर पे ही जो इम्पल्सेस होती हैं या सिग्नल होते हैं वो ट्रांसमिट होते जाते हैं, मतलब यहाँ इन्होंने रिसीव किया सिग्नल, सेल बॉडी के पास भेजा, न्यूक्लियस ने फर्दर ट्रांसमिट होने के लिए भेजा, तो सिग्नल आए और इस तरह से जंपिंग पोजीशन में, इस जंपिंग से क्या होता है इनका जो ट्रेवल टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब इम्पल्सेस बहुत तेज़ी से चलती हैं, उनके रेट क्या होता है चलने का 130 मीटर्स पर सेकेंड, 130 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये जनरेट होते हैं, ठीक है। तो 100 मीटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 130 मीटर ये जनरली कंसीडर किया गया है। तो इस पर सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं और भेजते कहाँ हैं, एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल देखिए क्या है, ये फर्दर एक्सटेंशन हो रहा है इसी एक्सॉन के साथ, और इसमें क्या होता है सिग्नल्स आते हैं और किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं। हर एक एक्सॉन टर्मिनल एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है, ठीक है। इस अटैचमेंट या जंक्शन को बोलते हैं, इस अटैचमेंट या जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्सिस, ओके, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो आपको ये डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा। सो इसका थेरेपिकल पार्ट हम लोग कवर करते हैं। सो सबसे पहले है सेल बॉडी और सोमा, इट फॉर्म्स द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूरॉन का आउटर स्ट्रक्चर है उसको एक शेप और साइज प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये ग्रे मैटर फॉर्म करता है। देखिए ब्रेन में आपने सुना होगा कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जो ये सेल बॉडीज हैं इनका ग्रुप अगर आपस में मिल जाता है तो ग्रे मैटर कहलाता है। और ये ग्रे मैटर क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। एक्सॉन्स की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग सा एक्सटेंशन जो मैंने आपको दिखाया सेल बॉडीज जुड़ा हुआ, ये क्या होता है, ये बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं, ठीक है। जब बंडल ऑफ एक्सॉन कई जगह मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वाइट मैटर। और ये वाइट मैटर ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंडक्टिंग स्ट्रक्चर। इन एक्सॉन का काम क्या होता है, जो इम्पल्स का कंडक्शन मतलब उनको ट्रांसमिट करना, ठीक है, ट्रैवलिंग करना उनकी, तो कंडक्शन स्ट्रक्चर भी इनको बोला जाता है। इट इज़ कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलेमा। जो एक्सॉन्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है या मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसे बोलते हैं एक्सोलेमा। इट कंसिस्ट द माइलिन शीट। माइलिन शीट मैंने आपको बताया कि कुछ फैटी सब्सटेंस होते हैं जिनकी एक जगह जगह पर येलो कलर के जो डॉट बने हुए थे स्ट्रक्चर में आपको याद होगा, तो वो माइलिन शीट थी, ठीक है। ये क्या करती हैं, जब ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो जो एक्सॉन्स के ऊपर वाइब्रेशन या हीट जनरेशन होती है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, ठीक है। ये माइलिन शीट बनी किसकी होती है, श्वान सेल्स की, ठीक है। ये कोटिंग प्रोवाइड करती हैं एक्सॉन्स को। इट ऑल्सो कंसिस्ट द नोड ऑफ रेनवियर। तो इन माइलिन शीट्स के बीच में कई गैप थे जिनको हम बोल रहे थे नोड ऑफ रेनवियर। इन्हीं नोड ऑफ रेनवियर पर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे या जंपिंग प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहे थे नोड से नोड पे। एक गैप को नोड बोलते हैं, ठीक है, और पूरे को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड टू नोड ट्रांसफर हो रहे थे सिग्नल, ठीक है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या थे, जो सोमा के ऊपर, सोमेटिक बॉडी के ऊपर या सेल बॉडी के ऊपर फर्दर हेयर टाइप के स्ट्रक्चर थे जो रिसीव करने का काम करते हैं सिग्नल को, ठीक है, उनको बोल रहे थे डेंड्राइट। तो इनको हम नाम दे सकते हैं, रिसीविंग स्ट्रक्चर भी इनको बोला जाता है। ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं और सोमा पर लोकेटेड होते हैं। इनका टेंडेंसी क्या होती है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं सेंसरी रिसेप्टार से। सेंसरी रिसेप्टार का आपके कहाँ होते हैं, सेंसरी ऑर्गन से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और ट्रांसफ़र करते हैं सेल बॉडी को। सेल बॉडी के थ्रू आगे फर्दर ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के थ्रू जो ब्रेन वगैरह में जाना है वहाँ सिग्नल प्रॉपर वे में पहुँच पाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपने मेनली जनरली बुक्स में पढ़ा होगा कि टू टाइप्स के होते हैं, एक माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, बट यहाँ हम ब्रॉडली वे में इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये
कई सारे बेसिस पे, मतलब कई सारे फंक्शन के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या माइलिन शीट के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। ये मेनली कैटेगरीज चार तरह की हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो न्यूरॉन का डिवाइड किया गया है फंक्शन के बिहाफ पे। दूसरा है माइलिन शीट होने या ना होने, मतलब उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन, जो मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन जो होता है दूसरे न्यूरॉन से अटैच्ड रहता है, तो उसको बोलते हैं जंक्शन। जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैचमेंट बना रहा है उसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। तो इस जंक्शन को चाहे जंक्शन बोल लीजिए चाहे साइनेप्स बोल लीजिए, ठीक है। और इस साइनेप्स को अगर ये सीएनएस में है तो इसको अलग नाम से जानते हैं, और अगर ये पीएनएस में है तो इसको अलग नाम से जानते हैं। अगर ये सीएनएस में है तो इसको साइनेप्स बोल देंगे, ठीक है। और अगर पीएनएस में है तो इसको गैंग्लिया बोलेंगे। देखिए दोनों जगह जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं मगर नाम चेंज हो रहे हैं। एक जगह साइनेप्स साइनेप्स बोले अगर सीएनएस में है, और अगर पीएनएस में है तो गैंग्लिया। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन हो गया थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट ये किस तरह से एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे भी इनको डिवाइड किया गया है। एक्चुअली न्यूरॉन सेम टाइप के ही होते हैं, बट ये जो जितने भी कैटेगरी हैं उनके जंक्शन के हिसाब से, पोलैरिटी के हिसाब से, फंक्शनिंग के हिसाब से, माइलिन शीट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आज स्टडी करेंगे। तो पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के हिसाब से क्या आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पहला क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा मोटर न्यूरॉन। मैंने आपको डायग्राम में ही बताया, सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसेस से सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं और कहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं, सीएनएस के पास, ब्रेन के पास, मतलब फर्दर उसको प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। दूसरे क्या है, मोटर न्यूरॉन, ये फंक्शन के भी आप पे देखिए चल रहा है। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं कि अगर उन पर कोई ब्रेन जो है सिग्नल फॉरवर्ड कर रहा है आपके मोटर मसल्स के पास, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं और स्केलेटल मसल तक डिलीवर कर रहे हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरी क्या कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट्स। तो ये किस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि माइलिन शीट की प्रेजेंस और एब्सेंस पर। ये माइलिन शीट है कहाँ पर, एक्सॉन पर, ठीक है। तो एक्सॉन पर अगर माइलिन शीट है तो उसको उसके हिसाब से अलग तरह के फंक्शन आ रहे हैं, और नहीं है तो अलग फंक्शन आ रहे हैं। अच्छा, माइलिन शीट का जो फंक्शन है इसका एक काम ये भी होता है कि ये जिन जिन न्यूरॉन्स पर माइलिन शीट होती है उनमें जो सिग्नल है ट्रांसमिट करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं किसमें, माइलिनेटेड मतलब जिस पर माइलिन शीट है उसको बोल रहे हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, और जिस पर माइलिन शीट नहीं है उसको बोल रहे हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जनरली नॉन माइलिनेटेड जो होते हैं उस पर जो सिग्नल चलते हैं काफ़ी स्लोअर चलते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू माइलिनेटेड, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन। जंक्शन या साइनेप्स या जो जहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है दो न्यूरॉन सेल का या नर्व सेल का, ठीक है, तो इसको सिनेप्स भी बोलते हैं। तो अगर ये सीएनएस में है तो इसको क्या मैंने बताया, सीएनएस में है तो इस जंक्शन को बोलेंगे साइनेप्स। अगर सीएनएस सीएनएस में है तो उसको बोलेंगे साइनेप्स, ठीक है। तो इसमें दो तरह के हैं, एक क्या है, जो आगे वाला न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, मतलब जिसको पहले स्टिमुलाई या सिग्नल रिसीव हुआ और उसने क्या किया, एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को सिग्नल पास किया, ठीक है। तो जो जिसने पहले रिसीव किया, जो इनिशियल स्ट्रक्चर है, आगे वाला स्ट्रक्चर है और ट्रांसफ़र करने के लिए एबल है दूसरे न्यूरॉन को जो उससे अटैच्ड है थ्रू डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू, तो उसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक जो आगे है, और जो पीछे जो सिग्नल रिसीव कर रहा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिव। पोस्ट का मतलब बाद वाला, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो काफ़ी छोटा सा स्ट्रक्चर है ये, मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर है, मेरे डिस्प्ले पर आ नहीं रहा है तो इसको मैं कोशिश करता हूँ जूम आउट करके आपको दिखाने की। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है कि एक न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट का स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका एक्सॉन का टर्मिनल हो गया, और ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये एक्सॉन बॉडी हो गई,
ठीक, एक्सॉन टर्मिनल देखिए क्या कर रहे हैं कि एक जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट इसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं सिनेप्टिक सिनेप्स, ठीक है। और ये CNS में फॉर्म हो सकता है और PNS में भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमने जान लिया कि सिनेप्स और गैंग्लिया क्या होता है। अब यही सेम अपोज एक्शन देता है, अगर ये PNS में आ रहा है तो ये गैंग्लिया कहलाएगा। उसमें भी दो तरह के होते हैं, जो आगे वाला होगा वो प्री गैंग्लियोनिक होगा, और जो बाद वाला होगा जो सिग्नल रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन किया गया। अब लास्ट किस हिसाब से देखिए इसको डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के हिसाब से कैसे इसको डिवाइड किया गया है, पोलैरिटी में क्या हो रहा है कि एक एग्जॉन या तो डेंड्राइड से अटैच है, या तो डेंड्राइड कई सारे हैं एग्जॉन एक है, या तो एग्जॉन एक है डेंड्राइड भी एक है। सो उनकी प्रेजेंस के हिसाब से, डेंड्राइड और एग्जॉन की प्रेजेंस के हिसाब से ये इनको डिवाइड किया गया है। अब इनकी तीन कैटेगरीज हैं। पहली कौन सी है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं इट कंसिस्ट सेवरल डेंड्राइड, मतलब जो एक नॉर्मल न्यूरॉन मैंने आपको दिखाया कि उसके सोमा के ऊपर या सेल बॉडी के ऊपर कई सारे ब्रांच स्ट्रक्चर थे जिन्हें हम डेंड्राइड बोल रहे थे। ये किसके ट्रांसफर कर रहे थे, एक सिंगल जो एक्सटेंशन था एग्जॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल। दूसरा क्या है, बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन में क्या है कि एक डेंड्राइट है और एक एग्जॉन है, मतलब एक ही डेंड्राइट का स्ट्रक्चर है, वो ब्रांच्ड नहीं है, ठीक है, और एक ही एग्जॉन का स्ट्रक्चर है और बीच में आपकी सेल बॉडी है, ठीक है, इन न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ठीक। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, मतलब डेंड्राइट का स्ट्रक्चर और सेल एग्जॉन टर्मिनल का स्ट्रक्चर सिमिलर है, बीट में सेल बॉडी है। ये होते कहाँ पर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आई के रेटिना में होते हैं, जहाँ पर आपके सेल्स होती हैं ना, जो आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कोन सेल रॉड सेल, उनमें ये होते हैं जो विजन के सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। थर्ड क्या है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनी का मतलब ही होता है कि सिंगल किसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या करते हैं, इसकी टाइप में क्या होता है, एग्जॉन एंड डेंड्राइट आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, मतलब बीच में एक एग्जॉन होता है और उसके दोनों ओर पर डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों ओर पर डेंड्राइट होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, एग्जॉन और डेंड्राइट आपस में फ्यूज करके स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। टू डेंड्राइट रीजन आर फ्यूज्ड विद सिंगल न्यूरॉन। बात एक ही है जो मैंने आपको पहले बताया, देखिए मैंने इसके स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो बाईपोलर जो है, मैंने आपको बताया कि बाईपोलर में क्या है कि देखिए इधर भी डेंड्राइट है, सॉरी इधर भी डेंड्राइट है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर भी डेंड्राइट है और इधर भी डेंड्राइट है, बीच में आपकी सेल बॉडी है, ठीक है, और बीच में ही सेल बॉडी जो है ये दोनों तरफ से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, स्यूडो यूनिपोलर में, कि ये डेंड्राइट दोनों तरफ से आ रहे हैं देखिए, और बीच वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल बॉडी है और इसी में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तीसरे वाले में क्या है, मल्टीपोलर में, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था कि नीचे एग्जॉन टर्मिनल है ये और ऊपर डेंड्राइट्स हैं, यहाँ से सिग्नल आ रहा है एग्जॉन के थ्रू होते हुए टर्मिनल में जा रहा है और पास हो रहा किसी अनदर न्यूरॉन के पास। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं ये किसके हिसाब से इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा न्यूरॉन्स का। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।